नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जो सबसे बड़ी बात हो रही है वो बात हो रही है समीर वानखेड़े की, उसकी पर्सनल लाइफ की। और ये पर्सनल लाइफ क्यों सबके सामने आई, ये आई है आर्यन के गिरफ्तारी के बाद। आर्यन जो शाहरुख खान के बेटे हैं और अब एक ताज़ा घटनाक्रम में उनको इस पूरी जाँच से अलग कर दिया गया है। यानी कि मुंबई जोन के एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े को इस जांच से अलग किया गया है। उन्होंने इस मामले की जांच तो काफी तेजी से की थी, आर्यन खान की गिरफ्तारी भी हो गई थी, लेकिन अब उन्हें इस पूरे केस से अलग कर दिया गया है। उनकी जगह एनसीबी के एसआईटी हेड संजय सिंह को बुलाया गया है और वे आज दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि संजय सिंह कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि संजय सिंह 1996 बैच के ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने अपने कैरियर में कई अहम पदों पर काम किया। अपना सफर उन्होंने ओडिशा पुलिस में ही बतौर एडिशनल कमिश्नर शुरू किया था। बाद में वे ओडिशा पुलिस में ही आईजी की भूमिका में आ गए थे। इसके बाद सीबीआई के लिए संजय ने काफी काम किया, वहां वे उप महानिरीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब वर्तमान में संजय सिंह एनसीबी के लिए काम करते हैं। अब वे आर्यन की जांच का काम संभालने वाले हैं, इसी के लिए वो मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। इस समय वो उप महानिदेशक ऑपरेशन के पद पे कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि संजय सिंह का कई ड्रग केस से गहरा नाता रहा है। उन्होंने कई बड़े मामलों की जांच की है, इसी वजह से उन्होंने ड्रग विरोधी टास्क फोर्स का भी नेतृत्व किया है। अब वही संजय सिंह समीर वानखेड़े की जगह लेने वाले हैं और नवाब मलिक के दामाद और आर्यन खान के मामले की जांच करेंगे। इसके अलावा कई सेंसिटिव ऐसे मामले हैं जिनमें अभी भी उनका दखल रहेगा और वो इनकी जांच करने वाले हैं। इस पूरे एक्शन पे समीर वानखेड़े ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि उनकी नजरों में उन्होंने खुद ही खुद को ड्रग केस से अलग कर लिया है। उनका ये मानना है कि इस मामले की जांच दिल्ली एनसीबी द्वारा कराई जाए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वे ड्रग्स को लेकर के अपनी जांच अपने तरीके से जारी रखेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं और भी कई खबरें आपके साथ लेके हाजिर होंगी। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।